सर क्वेश्चन असं आहे की आता मी लास्ट इयर इंजिनिअरिंगला आहे, तर बरेच जण सांगता हे कर ते कर, तर कोणत्या गोष्टींना आता सुरुवात करताना प्रेफर केलं पाहिजे? कोणता कोणत्या गोष्टींना मी प्रेफर केलं पाहिजे? क्वेश्चन्स ना, क्वेश्चन्स नाही की म्हणजे बरेच जण सांगता एनसीईआरटी प्रेफर कर. अच्छा, देन काही सांगता की अरे न्यूज पेपर रिडिंग तुला म्हणजे. देखो एनसीईआरटी बेसिक्स है, ठीक है. तो मैंने जब शुरुआत की थी तब मैंने भी बेसिक्स एनसीईआरटी से किए थे, मैंने फर्स्ट रीडिंग एनसीईआरटी से की हुई है. आपकी बैकग्राउंड है क्या कुछ? इकोनॉमिक्स वगैरह आप रेगुलरली पढ़ते रहते हो क्या? कुछ है क्या? नहीं, कुछ नहीं है. तो आप एनसीईआरटी पहले पढ़ने चाहिए, ठीक है. कुछ ऐसे सेलेक्टेड बुक्स है जो आप रेफर कर सकते हो. जैसे आप मराठी में पेपर देने वाले हो क्या? इंग्लिश में देने वाले हो? ओके, सो इकोनॉमिक्स के लिए श्रीराम सर के नोट्स मिलते हैं, दिल्ली में क्लासेस हैं, उनके श्रीराम सर के नोट्स मिलते हैं, बहुत मस्त हैं, ठीक है. मतलब उतने बुक्स अच्छे नहीं हैं, तो आप अगर वो नोट्स मिल पाए आपको तो आप वो देख लीजिएगा. बाकी अभी जो लोग बोलते हैं लोगों का सुनने का नहीं, मेरा यही है, लोगों का सुनने का नहीं, ठीक है. लोग डराने का काम करते. आप अपना टाइम देखो, आपको प्रोजेक्ट के लिए अगर एक दिन देना है तो प्रोजेक्ट के लिए एक दिन देना है, अगर आपको कॉलेज के लिए तीन दिन देना है तो कॉलेज के लिए तीन दिन देना है. आपके पास तीन दिन बचते, जो चीज़ों को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उनको पहले काट के हटा दो. 24 घंटे में मेरे को 8 घंटा सोना ही है, 8 घंटा हटा दो 16, मेरे को 4 घंटा कॉलेज जाना ही है, 4 घंटा हटा दो 12, मुझे खाने के लिए नहाने के लिए ये सब के लिए मेरे को 3 घंटा लगता ही है, 3 घंटा हटा दो बच गए 9, अब मुझे 9 घंटों को ही मैनेज करना है. बाकी चीज़ को हटा दो दिमाग से. आप जब तैयारी शुरू करोगे तो आप पहले ये देखो कि मैं एक दिन मेरे को प्रोजेक्ट करना ही है, एक दिन मेरे को ये करना ही है, ठीक है. और थोड़ा फ्लेक्सिबल प्लान बनाओ, क्योंकि मुझे पता है इंजीनियरिंग में आपको कल के दिन उठ के प्रोजेक्ट के लिए जाना पड़ेगा तो क्या करोगे. तो मैंने जैसा बताया वीकली प्लान होता है, ठीक है. तो अगर किसी दिन उठ के जाना होगा तो किसी दिन बैठने का भी टाइम मिलेगा. तो आप इस चाहे तो अगर वीक बहुत लंबा लग रहा है 3 दिन का प्लानिंग करो, 2 दिन का प्लानिंग करो, ठीक है. एक लॉन्ग टर्म प्लान करो, एक शॉर्ट टर्म प्लान करो. शॉर्ट टर्म प्लान को अपन चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है. बाकी कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे एनसीईआरटी आपने बोला आप शुरुआत कर सकते हैं, मैंने इकोनॉमी का जो बताया वो शुरू कर सकते हैं. सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि इकोनॉमी करना है, एनवायरनमेंट करना है, पॉलिटी करना है, ये सब्जेक्ट्स पहले करके ले लो, बाकी ऊपर वाले को पूछो. थैंक यू. हो जाता है. जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, तो उन सब्जेक्ट का स्टडी हमें कैसे करना चाहिए? मतलब एक 3 दिन के लिए एक सब्जेक्ट या दिन भर के लिए कुछ घंटों के लिए एक सब्जेक्ट, मतलब वो समझ में नहीं आता. ठीक है, मैंने अपना प्लान बहुत फ्लेक्सिबल रखा था. मैं कैसे तैयारी करता था, मैं दिन का फिक्स नहीं किया था. मेरे को जब मूड होता था मैं इकोनॉमी उठाता था, मेरे को जब मूड होता था तब मैं एनवायरनमेंट उठाता था. मैंने आवर्स की प्लानिंग करके रखी थी कि मेरे पास एनवायरनमेंट के लिए 80 आवर्स है, ठीक है. और वो अपने स्टैटिस्टिक्स वाले होते हैं ना कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, मैं उसका यूज़ करता था. 2 घंटा अगर इकोनॉमी पढ़ लिया तो 2 डंडे मार दिए, ठीक है, हो गया. तो मैं 80 आवर्स का प्लानिंग था. जब मैं जब उठाता था तब मैं 80 आवर्स मेरे पास टाइम है, मुझे पता था, तो मैं फ्लेक्सिबल टाइम रखा था, ठीक है. बाकी GS 4 की तैयारी कैसे करनी है अगर आप बोलो, तो GS की तैयारी कैसे करनी है अगर आप बोलो, तो जो प्रीलिम्स की तैयारी होती है ना उससे ज़्यादा अलग मेंस की तैयारी नहीं होती. आप जब नोट्स निकालते रहते हो तो नोट्स का प्रीलिम में जितना हेल्प होगा, मैंने जो भी नोट्स मेकिंग के फायदे बताए उसमें से खाली रिविजन छोड़ दो तो बाकी 3 फायदे जो है मेंस के लिए, आपका ग्रामर इंप्रूव होता है, आपकी राइटिंग स्पीड इंप्रूव होती है, आपका क्या चीज़ लिखना है ये समझ में आता है, ये मेंस के लिए था. तो नोट्स मेकिंग आप जारी रखो तो आपकी वो तैयारी होती रहती है. बाकी जैसे GS 4 एक सब्जेक्ट है ना, एथिक्स एंड इंटीग्रिटी वगैरह, मैंने उसके लिए अभी हमारे टाइम पे तो नया सब्जेक्ट था, हमको कहाँ से पढ़ना है मुझे पता नहीं था, अभी भी कहाँ से पढ़ना है मुझे पता नहीं है, ठीक है. मैंने सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की 4th रिपोर्ट, ये एथिक्स इन गवर्नेंस पे, मैंने वो पूरी रिपोर्ट पढ़ी हुई है. फिर हर एक टर्म जो सिलेबस में एप्टीट्यूड इंटेग्रिटी ऐसे जो हर एक टर्म दिया हुआ है, मैंने हर एक टर्म को इंटरनेट पर जाके पढ़ा था. फिर उसके बाद अब मैंने उस समय ये नहीं किया लेकिन बाद में पढ़ते समय मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, आप कुछ सिविल सर्वेंट्स की ना ऑटोबायोग्राफी उठा के देख सकते हो. जैसे एक बताता हूँ, बुलेट फॉर बुलेट बाय जूलियो रिबेरो, ठीक है. इसके बाद इनसाइड द स्टील फ्रेम बाय नितिश सेन गुप्ता, इसमें क्या किया उन्होंने, रियल लाइफ सिचुएशन कैसे डील किया है उसके बारे में उन्होंने दिया हुआ है. तो आपको क्या केस स्टडीज वही आती है ना कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप कैसे करोगे, ठीक है. तो वहाँ से आपको थोड़ा बहुत लिंक लगने लगता है. तो आप ज़्यादा पॉसिबल नहीं है बहुत सारी बुक्स पढ़ना, 3-4 बुक्स सेलेक्ट करके अच्छी आप दो पढ़ो. बुक्स के नोट्स निकालने चाहिए, ठीक है. मैं बुक रिव्यूज जब लिखता हूँ ना तो मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं वो कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लगी बुक की तो मैं अपने नोटबुक में लिख के रखता हूँ और बाद में बुक रिव्यू लिखते टाइम मेरे को हेल्प होती है उससे. आप ऐसे कर सकते हैं, बुलेट फॉर बुलेट जो पढ़ रहा है वो जूलियो रिबेरो ने क्या क्या स्टेटमेंट्स बोले हैं जो अच्छे आपको लगते हैं, जो आप यूज़ कर सकते हो, तो आप वो लिख के रखो. कोई दूसरा बुक पढ़ता रहेगा बाद में नोट्स शेयर कर लो, दोबारा बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है. तो आप अपना इस तरह से थोड़ा मैक्सिमाइज कर सकते हो. बाकी सारे सब्जेक्ट्स का मैंने बुक लिस्ट वगैरह अगर आपको चाहिए तो बुक लिस्ट बहुत लंबी होती है, ठीक है, इतना जल्दी बता के नहीं होगी, ठीक है. या अभी ठीक है, जो नीरव दादा बुक पढ़ते हैं, मैं एक्चुअली उनके पास जाता था,
है ना, कि हम लोग भैया क्या, भैया क्या है ये, ऐसे है ना, क्या पढ़ूँ समझ नहीं आ रहा है ना। तो अब निरोधा आते ही रहेंगे, आप भी उनके पास जाओ, ठीक है, भैया को थोड़ा परेशान कर दो, भैया अच्छे हैं, बुरा नहीं मानते, ठीक है, परेशान कर सकते हो। बायोडाटा मोस्टली बायोडाटा तुमचा बघितला असतो, त्याच्यावर क्वेश्चन सेट केले जातात, येस। तर बायोडाटा लिहिताना असा विचार केला होता की या पद्धतीने आपण लिहितो असे क्वेश्चन येऊ शकतात, आणि अशा पद्धतीने एक सोशल ॲटिट्यूड असेल किंवा काही जो ॲटिट्यूड त्यांना म्हणजे भावला असेल अशा पद्धतीने तुम्ही काही प्रिपरेशन केलं होतं का? येस हां सर, किया था बिल्कुल। जब आप अपने रेज्यूमे पे देखते हो, जो ये पोएम मैंने सुनाई ना, ये मैं इंटरव्यू के दौरान नहीं तैयारी की थी, मैं इंटरव्यू के पहले तैयार करके गया था। सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं पोएम राइटिंग पे क्वेश्चन आएगी, ये भैया ने सुनी होगी तो भैया को लगा होगा वरुण सेम पोएम हर जगह सुनाता है, क्योंकि ये मैं इंटरव्यू पे जितने पहले दिए हैं ना, मैंने हर इंटरव्यू में यही पोएम बोली है ना, क्योंकि समझे ना, अच्छी रहे ना, है ना, तो मुझे पता था अच्छी है, तो इसलिए मैं इंटरव्यू में ये तैयार करके गया था। दूसरा, जैसे बाइसिकल रिपेयरिंग पे मैं क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं तारापुर का हूँ, तारापुर में न्यूक्लियर प्लांट है, मैं उस पर क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था, उस पर किसी ने पूछा नहीं। बाकी जो इलेक्शंस पे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा था वो पूछे गए, तो डेफिनेटली मैंने तैयारी की थी। उसके बाद मैंने जो ये बताया कि मैं अलग अलग एक्टिविटीज़ किया था, जम्मू एंड कश्मीर गया था, मेलघाट गया था, तो ये जाने का पीछे का रीज़न ही वही था, मैं बोला अब मेंस दे दिए, इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होने वाला है। मेंस के बाहर आया, GS1 निकल के आया, तब मेरे को जैसे डिप्रेशन आ गया था ना, मैं अपने पोल साइंस 2 का पेपर निकल के आया तो मेरे को तो कॉन्फिडेंस आ गया था, बोला यार अब तो पास हो रहे, ठीक है। और उसके बाद में मैंने वो मेलघाट की चीज़, जम्मू एंड कश्मीर की चीज़, वेबसाइट का, ये सब मैंने उसी पर्सपेक्टिव से किया कि मैं अपने आपको अलग कैसे बताऊंगा अंदर, मैं अलग हूँ। मैं अब जैसे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डिस्कशन होता था, तो अभी उसके अंदर कुछ इश्यूज आते हैं, तो जब डिस्कशन तो हम करते ही थे, मैं साथ साथ ये सोचता था मेरे को ये बताना, मैं बता नहीं पा रहा हूँ, है ना, तो ये इशूज है, यानी आप ये टेक्नोलॉजी यूज़ करें तो भी इसमें ये इशूज़ है। इंजीनियरिंग आप कैसे यूज़ करते हो, ये क्वेश्चन मैं बताने ही भूल गया। उन्होंने मेरे को क्वेश्चन पूछा था कि जैसे जो हिस्ट्री पढ़ता है, जो सोशियोलॉजी पढ़ता है, उसको सोशल इशूज़ पता होते है ना, तो वो बंदा ज़्यादा सूटेबल है ना सिविल सर्विस करने के लिए, इंजीनियर को क्यों सेलेक्ट करना है कि नहीं, ये क्वेश्चन उन्होंने मैं पूछा था। तो मैंने उनको बोला था सर देखो आजकल ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहे हैं, ये भी मैंने आंसर पहले प्रिपेयर करके रखा था, ठीक है, ई गवर्नेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होते जा रहा है, मैं इंटरनेट कैसे काम करता मैं जानता हूँ, नेटवर्क्स में क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं मैं जानता हूँ, डेटा को सिक्योर कैसे रखना है मैं जानता हूँ, ठीक है। तो अगर वो कम्युनिटी समझते हैं तो मैं टेक्नोलॉजी समझता हूँ, और मैं टेक्नोलॉजी यूज़, सबके अपने अपने प्लसेस एंड माइनसेस हैं, मेरे कुछ माइनसेस हैं तो मेरे ये प्लसेस हैं, सो आई थिंक देयर इज़ नो इशू, ठीक है। एग्जैक्ट इस वर्ड्स में नहीं बताया था, एग्जैक्ट सो आई थिंक देयर इज़ नो इशू ऐसा रूट लगता है, ठीक है, तो एग्जैक्टली मैंने ये वर्ड्स यूज़ नहीं किए थे, बट यू गॉट माई पॉइंट। तो ये आंसर मैं पहले से प्रिपेयर करके गया था, तो डेफिनेटली मैंने प्रिपेयर किया था मेरे रेज्यूमे के हिसाब से। For the excellent lecture that you have given, I think students should understand how to study, and the motivation or inspiration that you have given to the students definitely will help them to study and to get the success in this examination. Ye acha hua अगर MIT CST पहले खुलता तो मुझे श्योर है कि आपके 32 रैंक में से 3 निकल जाता और टॉप 2 पे आ जाते, लेकिन मैं आशावादी हूँ, मैं आशा करता हूँ यहाँ जो स्टूडेंट्स आए हैं, मुझे प्रामाणिक से ये पता है जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, जो जिस पैरेंट्स ने उनको यहाँ भेजा है, वो भी कुछ खुद संघर्ष कर रहे हैं। हर एक का जीवन में एक अलग संघर्ष होता है। मुझे एक खत मिला है एक बच्चों का, उसने बहुत सारा कुछ लिखा है उसके बारे में, एक पैराग्राफ लिखा है उसने, उसने लिखा है सर मैं 2017 का IAS टॉपर फर्स्ट रैंक आपसे बोल रहा हूं, आपसे खत लिख रहा हूं, चिंतामण राव देशमुख के बाद महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से कोई टॉपर 1 नहीं बना है, तो 46 इयर्स के बाद मैं इंडिया का टॉपर बनूंगा, ये उसने खत में लिखा है। तो दैट मच कॉन्फिडेंस शुड बी देयर, दैट मच पॉजिटिव एनर्जी शुड बी देयर। वरुण ने जब बोला कि लोग डराते हैं, लेकिन जब तुम्हारे इधर अंदर एक वाइब्रेशन होता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है ना, जो भी डराते हैं वो खुद डर जाते हैं। तो यू शुड हैव अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर हो तो आप इस एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच वरुण फॉर दिस एक्सलेंट लेक्चर।